अली अमीन गंडापुर डी चौक आएंगे पुरअमन एहतजाज के लिए। अभी हम वहाँ खड़े थे, इस वक्त हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ 1000 कारकुन उठाए गए हैं, 1000। आपके पास जेल में गुंजाइश नहीं है, जितने हम लोग हैं जो जाने को तैयार हैं जेलों में, कितने लोगों को भरेंगे? पूरा पाकिस्तान आप जेलों में भर दें, हम तैयार हैं। अब ये आपसे आपका रूल ऑफ लॉ भी चोरी कर देंगे, तो अगर आप लोगों ने अब ना खड़े हुए अपने आज़ादी के लिए और कुर्बानी देनी पड़ेगी। उन्होंने फिर से कहा है ये वक्त है कुर्बानी का, अगर आज आप ना खड़े हुए आप चूंटियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इस मुल्क में रहेंगे, जो पहले भी आप रह रहे थे, लेकिन अब आपके हालात पहले से भी बदतर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो देखिए। जो फैसला इमरान खान कल मुस्कराते हुए बता रहे थे कि ये तो होना ही है, आपको पता है कि काजी फ़ायज़ ईसा गैंग ऑफ थ्री एक्सटेंशन माफिया, उन्होंने कहा था कि ये सारी जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो तो लगता है कि हम सारे आपको सबको पता है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन देनी है। काजी फ़ायज़ ईसा को जब एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसने तहफ़ देना है सिकंदर राजा को, क्या नाम है उसका, मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ, क्या सिकंदर सुल्तान को, सिकंदर सुल्तान को आर्टिकल 6 से कौन बचाएगा? काजी फ़ायज़ ईसा। सिकंदर सुल्तान के ऊपर आर्टिकल 6 क्यों लगना चाहिए? क्योंकि आप सबका चोरी शुदा वोट, जिन लोगों ने चोरी किया फॉर्म 47 से, सिकंदर सुल्तान ने उनको तहफ़ नहीं देना, और काजी फ़ायज़ ईसा ने और किसको तहफ़ देना है? जिनके पास आपका वोट है, जो इमरान खान कहते हैं उनको PDM NRO 2, उनके पास चोरी का वोट भी है, उनके पास चोरी के पैसे भी हैं। तो ये जो सारा एक कलेक्शन है आप सबको नज़र आ रहा है। आपकी इमरान खान ने आज कहा कि उन्होंने पहले आपसे आपकी जमहूरियत चोरी की है, अब ये आपसे आपका रूल ऑफ लॉ भी चोरी कर देंगे। तो अगर आप लोगों ने अब ना खड़े हुए अपने आज़ादी के लिए और कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन्होंने फिर से कहा है ये वक्त है कुर्बानी का, अगर आज आप ना खड़े हुए आप चूंटियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह इस मुल्क में रहेंगे, जो पहले भी आप रह रहे थे, लेकिन अब आपके हालात पहले से भी बदतर हो जाएंगे। क्योंकि जब इंसान अपने हक के लिए नहीं खड़ा होता, उसकी यही हालत होती है। ये नहीं कि ऊपर से जुल्म हो रहा है, होता ये कि नीचे से जुल्म होने देते हैं। तो आपने अगर ये जुल्म कबूल करने, अपना हक नहीं मांगना, फिर आप अपनी मुस्तकबिल के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फैसला कर चुके हैं। अब कल का एहतजाज इस्लामाबाद में, हम सब उसमें शामिल होंगे, मैं हम फिर से इंशाल्लाह कह रहे हैं हमारे बच्चे भी साथ शामिल होंगे, क्योंकि उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर ये हमारे ऊपर जुल्म करना चाहते हैं, हमें जेलों में डालना चाहते हैं, डाल दें। इमरान खान कहते हैं जेल भर दो, और फिक्र ना करें, अभी जेलें भरी जा रही हैं। अभी हम वहाँ खड़े थे, इस वक्त हमारे यहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ 1000 कारकुन उठाए गए हैं, 1000। आपके पास जेल में गुंजाइश नहीं है, जितने हम लोग हैं जो जाने को तैयार हैं जेलों में, कितने लोगों को भरेंगे? पूरा पाकिस्तान आप जेलों में भर दें, हम तैयार हैं। 1000 गरीबों को आपने जाकर अब अंदर भरा है, कोई बात नहीं, बाकी हम सारे भी कल मौजूद होंगे, कल इस्लामाबाद से भी आप उठा लें हम सबको, लेकिन हमारा आइनी हक है। काजी फ़ायज़ ईसा के हाथ में भी आइन नहीं है, काजी फ़ायज़ ईसा बनना चाह रहा है जहाँ पे वो हमारे आइन की धज्जियाँ उधेड़ दे। काजी फ़ायज़ ईसा के हाथ में हमारा आइन नहीं है, हमारा आइन हमें तहफ़ देता है, हमारा आइन कहता है कि हमारा पूरा हक है हमारा पाकिस्तानियों का कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पर रबड़ की गोलियाँ चलाएंगे, जो इन्होंने पिंडी में किया है, जो इन्होंने कल फैसलाबाद और मियाँवाली और बहावलपुर में किया है, इन्होंने रबड़ बुलेट्स चलाते हैं, लोगों को बहुत ज़ख्मी किया है इन्होंने, लोगों के आंखें
ज़ाया किए हैं, लोगों के नाक फटे हैं, लेकिन वो बच्चे फिर वापस सड़कों पे थे क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त जंग उनके अपने मुस्तकबिल की, और ये आप जंग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ये कभी ना भूलें। आप रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, आप अपनी जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, और हम अगर इसमें से बच जाते हैं तो गाजी, अगर अल्लाह ताला को हमारी ये कुर्बानी कबूल होएगी तो हम इंशाल्लाह शहादत भी कबूल करेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो तो आपने देख ली। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब की जानिब से आज की एहतजाज की कॉल दी गई थी आज बरोज़ जुम्मा 4 अक्टूबर की डी चौक इस्लामाबाद में। तो नाज़रीन, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और मोबाइल सिग्नल्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। किसी भी सिम के, किसी भी नेटवर्क के सिग्नल इस वक्त नहीं आ रहे, हुकूमत की जानिब से बंद कर दिए गए हैं। और हुकूमत की कोशिश है कि किसी सूरत कोई बंदा भी इस्लामाबाद में दाखिल ना हो पाए। अब देखते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स निकलते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से ये फाइनल कॉल ही समझी जा रही है। क्योंकि अगर आइन में तरमीम हो गई तो फिर उसके बाद कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे बाद में, तो आज जितने जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं तो बाद में क्या होगा, इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़।